नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। दूधी में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। वहीं खुदा की इबादत में नमाज अदा कर देश में अमन व शांति की दुआ की। इसके बाद मुस्लिम बंधु कब्रिस्तान पहुंच अपने अपने पूर्वजों के मजार पर दुआ खानी करते हुए फातहा पढ़ी। गुरुवार की सुबह 7 बजते ही दूर दराज से आने वाले अकीदतमंद ईदगाह पहुंचने लगे। 8 बजते ही पूर्व निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की। यहां नमाज अदा होते ही जामा मस्जिद दुधी में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद अकीदतमंदों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपने पूर्वजों के मजार पर दुआ खानी करते हुए फातिहा पढ़ी। इसके बाद अपने अपने घर जाकर सेवैया सहित अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया। दुधी में शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक माहौल में ईद की नमाज सम्पन्न हुई। इस मौके पर सदर कल्लन खां, अजमतुल्ला खान, अच्छन खां, राफे खां, फतेह मोहम्मद खां, सिराज खां, हाजी सैयद फैजुल्ला अंसारी, सनाउल्ला अंसारी, आदिल खां, सलीम खां, शाहनवाज खां सहित काफी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। वहीं ईद उल फितर का दिन है, माह रमजानुल मुबारक का एक महीना हमने बिल्कुल अमन अमान से गुजारा। उसमें हमारे तमाम लोगों ने रोजे रखे, इफ्तार, सहरी, तरावी वगैरह। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को कि मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान को कायम रखे। हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी और हमने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन के खतरे से अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर गरीबों का ख्याल रखा जाता है और जो लाचार मजबूर लोग हैं उनका ख्याल रखा जाता है। और हमारा मजहब इस्लाम हमें ये पैगाम देता है कि आपके पास अगर एक रकम है 1 लाख रुपए की, तो आपको 2500 रुपये उसके ऊपर टैक्स देना है, ज़कात देनी है। और ये ज़कात किसको देनी है? जो गरीब होवे, जो मजबूर होवे। ऐसा नहीं है कि अपने को ही दे दो ज़कात या पैसा अपने को ही दे दो, बल्कि किसी भी गरीब को दो। कोई हॉस्पिटल में बीमार है तो उसकी दवाई का खर्चा दे दो या उसका इलाज करवा दो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।